हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट करते हैं। 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later, नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? तो इसमें हमने नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो वही चीज़ हम एज्यूम कर लेंगे जो हमें निकालनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। नूरी की एज हम एक्स मान लेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज हम मान लेंगे वाई ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो कंडीशन हमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाएंगे अब। तो सबसे पहले इसमें दिया गया 5 years ago, मतलब 5 साल पहले जो उनकी एज थी। अब हमने ये प्रेजेंट एज माननी है एक्स और वाई, तो इसमें से हम 5 years माइनस कर देंगे तो ये उनकी 5 साल पहले की एज हो जाएगी। तो नूरी की एज हो जाएगी एक्स माइनस फाइव। और इसकी कंडीशन हमें दी गई थी नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की एज है वो सोनू से 3 गुनी है। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई माइनस फाइव को। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3y-15। आगे हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब सेकंड कंडीशन है 10 years लेटर, मींस 10 साल बाद की बात कर रहे हैं वो। तो 10 years लेटर सो 10 साल बाद जो प्रेजेंट एज थी इसमें हम 10 ऐड कर देंगे। पहले हमने 5 माइनस किया था, अब हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो हम जो इनकी प्रेजेंट एज थी उनमें हम 10 ऐड कर लेंगे और ये कंडीशन लगाएंगे नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आगे हम करेंगे जो ये हमारी इक्वेशन बन गई है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y+20। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन्होंने एलिमिनेशन मेथड कहा है तो हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे इसमें। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। तो इसके लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम राइट कर लेंगे एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन हमारी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम जो नीचे इक्वेशन हमने राइट की है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। अब अपोजिट साइन वाले नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सेम साइन वाले नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ये अपोजिट साइन है ये कैंसिल हो गया है, और ये भी अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ गया है वाई। तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू 20। तो ये वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पुट करूँगी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में वाई वेरिएबल के प्लेस पे मैं 20 राइट कर दूँगी, तो ये आ जाएगा मेरा एक्स माइनस 3x20 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू -10। अब ये 60 इधर माइनस का था लेफ्ट साइड में, राइट साइड चेंज करेंगे इसकी तो ये प्लस 60 आ जाएगा। तो हमारा आ गया एक्स इज इक्वल टू -10+60। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है 50। अब ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू आ गई है। लास्ट में हम राइट कर देंगे
अब हमने नूरी की एज एक्स मानी थी, तो हमारी नूरी की एज आ गई है 50। एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20। तो एज सोनू की एज आ गई है 20। थैंक यू।